गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. वेलकम बैक टू आरजे केरी पॉइंट ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से नॉर्सेट में आपको कम से कम दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं. और इस क्लास को देखने के बाद में अगर आप ये चाहो कि सर हम क्वेश्चन गलत करना चाहते हैं, तो भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे. हर वो चीज जो आपको आज से पहले अगर बीएमडब्ल्यू के रिगार्डिंग जितना भी कंफ्यूजन था आपके माइंड में, अगर कोई भी चीज आ रही कि सर कौन से वेस्ट को कौन से बीन में हमें डालना है, कैसे उन्हें सेग्रीगेट करना है, कौन से वेस्ट को हमें प्री ट्रीट करना है, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, इंसिनरेट करना है, उसको रिसाइकल करके यूज में लेना है, वो सारी चीजें आपको आने वाली इस क्लास के अंदर मिलने वाली है. ठीक है, इस क्लास में अपन पहले थ्योरेटिकल चैप्टर की बात करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं. तो आने वाले एक घंटे के अंदर आप नॉर्सेट के लिए दो क्वेश्चन 110% प्रिपेयर करके जाओगे यहां से. अगर आप चाके भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है. ठीक है, बट समझना है ध्यान से हर चीज को. हो सकता है आज से पहले आपने बीएमडब्ल्यू के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है, लेकिन फाइनली इस क्लास में आपको मिलने वाली हर एक चीज अपडेटेड रहेगी. यहां पर मैंने जो भी बोर्ड के ऊपर लिख दिया वो आपके लिए फाइनल होना चाहिए. ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा. जो आज के गाइडलाइन यानी एट प्रेजेंट जो भी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, चाहे वो सीडीसी की गाइडलाइन हो, चाहे वो एम्स के अंदर फॉलो की जा रही हो, हर वो चीज जहां पर आपको कंफ्यूजन था आज से पहले, वो आज की क्लास के बाद में नहीं होगा. तो ध्यान से समझना है पूरे फोकस और अटेंशन के साथ में. ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक के लिए. तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वो चीज जो आप सीखने वाले हैं. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को. आप ध्यान दीजिएगा, बीएमडब्ल्यू की बात जब कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि सर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, देखिए अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू केवल चार ही कैटेगरी होती हैं. अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू अगर बात करते हैं, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट चार ही कैटेगरी आपको दी जाती है, दैट इज द येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग और व्हाइट बैग. ठीक है, एडिशनली अपन मानते हैं कौन सा, ब्लैक बैग. कौन सा, ब्लैक जो होता है अपन एडिशनली मानते हैं. क्लियर हुआ सभी को? जस्ट वन मिनट, मतलब क्लास स्टार्ट होते ही साइटोटॉक्सिक स्टार्ट हो जाते हैं ना. चलिए फोकस करके रखिएगा क्लास के ऊपर, क्योंकि वो सारी चीजें आप समझेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं समझी होगी. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं हर एक चीज आपको पूरा थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा. आप सभी को बताया कि हम कैटेगरी को चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं. सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिएगा स्पेसिफिक वेस्ट आप केवल स्पेसिफिक बीन के अंदर ही डालने वाले हैं, क्लियर है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेड बीन के लिए कि जो रेड बीन होता है उसके अंदर आप कौन कौन सा वेस्ट पुट करने वाले हैं. हर एक लाइन ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहां से सीखने वाली हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी. क्वेश्चन 110% बात है कि आपका गलत नहीं होगा. ठीक है, चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं रेड बीन के लिए. किसके लिए, रेड बीन. अब रेड बीन की अगर बात करते हैं तो सिंपली यही दिया जाता है कि जितने भी हमारे पास में क्या है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल होने वाले, क्या इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल इसमें डाला जाता है. सिंपली अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल आप क्या करने वाले हैं, इस रेड बिन के अंदर डालने वाले हैं. अब एग्जांपल की बात करते हैं कि सर कौन कौन से इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल अपन डालने वाले. कमेंट सेक्शन की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि कमेंट आपको करना नहीं है, क्लास थ्योरिटिकल है, हर चीज लिखते जाओ और समझते जाओ. ठीक है, बात समझ रहे हो आप? हाँ,
तो पूरी क्लास को आपको समझना है और सुनना है ध्यान से, नोट्स बना लीजिएगा, ये कंटेंट आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले देखिएगा रेड बिन की बात करते हैं, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा सर ट्यूबिंग्स अपन क्या करते हैं इसमें डालते हैं। अब ट्यूबिंग्स में चाहे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ट्यूबिंग्स की बात जहां पर आगे चाहे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर बात करते हैं इसी के अंदर आपकी क्या आने वाली है बेटा, प्लास्टिक आईवी बोटल्स आने वाली है, प्लास्टिक आईवी बोटल्स। अब इन बोटल्स के चाहे आरएल दो चाहे डीएनएस दो, ठीक है, चाहे D5 दो चाहे D10 दो D15 दो, वो सारी इसी के अंदर आने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आईवी सेट, ध्यान रखना आईवी सेट आपका इसी में डिस्कार्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीटी सेट क्या होगा आपका, इसी के अंदर डिस्कार्ड होने वाला है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट भी इसमें डिस्कार्ड होने वाला है। नेक्स्ट वन सेंट्रल लाइन की अगर बात करते हैं, किसके बारे में, सेंट्रल लाइन डिस्कार्ड इसी में होगी। नेक्स्ट वन पिक लाइन की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पिक लाइन, वो भी क्या होगी आपकी, इसी रेड बीन के अंदर डिस्कार्ड की जाने वाली है। मतलब ये तो बात किसकी होगी, हमारे ट्यूबिंग्स की बात होगी। इसके अलावा और ट्यूबिंग्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जा सकता है, लाइक एज ड्रेन्स, ठीक है, जो भी अपन ड्रेन्स यूज में लेते हैं वो सारे इसमें डिस्कार्ड होंगे। इसके अलावा बात करते हैं कैथेटर, क्या कैथेटर की अगर बात करते हो तो कैथेटर भी क्या होगा आपका, रेड बीन के अंदर डिस्कार्ड किया जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बात जब आ जाती है सीरिंज के रिगार्डिंग, किसकी बात आती है बेटा, सीरिंज का, ठीक है, तो सीरिंज के अंदर देखिएगा कुछ अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। अगर मान लीजिए केवल सीरिंज है, क्या है, केवल सीरिंज है, तो उस सीरिंज को आपको पुट करना है किसमें, रेड बीन के अंदर। सीरिंज के साथ अगर निडिल होगी तो रेड में नहीं पुट करोगे, तो इसमें लिख लीजिएगा सीरिंज विदाउट निडिल, सीरिंज विदाउट निडिल। क्लियर हुआ सभी को, यहां पर निडिल हटा दिए है हमने। अगर निडिल के साथ में फिक्स है उसकी आगे बात करेंगे कि निडिल के साथ में उसको कहां पर पुट करने वाले। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन क्या आता है, कोई एक पेशेंट है उसकी आप केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो केयर करेंगे तो ऑब्वियसली ग्लव्स पहनकर आपको केयर करनी होती है, ठीक है, हमें क्या करनी होती है, ग्लव्स पहनकर उसकी केयर करनी होती है। तो उसके बाद अपन ग्लव्स को डिस्कार्ड किसमें करते हैं, नॉर्मल सी बात है कि सर रबर ग्लव्स होते हैं, लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, उसको अपन रेड में ही पुट करेंगे। क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा सकता है, क्या घुमा देगा, आप किसी एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट की केयर कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसकी कोलोस्टोमी, ठीक है, कोलोस्टोमी केयर कर रहे हैं कि आप क्या करें उसकी कोलोस्टोमी हमने किया हुआ है तो उसके लिए आप क्या करें उसको इरिगेट कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपके ग्लव्स एचआईवी इंफेक्टेड ब्लड से कंटामिनेटेड हो गए हैं। अब आप उन ग्लव्स का क्या करेंगे, कौन से बिन में उनको पुट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा ग्लव्स हमेशा आपके किससे पुट होने वाले हैं, रेड बिन में पुट होने वाले हैं, ठीक है, किसमें पुट होने वाले हैं, रेड बिन में, चाहे स्टेन ग्लव्स हो चाहे अनस्टेन ग्लव्स हो, बात को समझिएगा, चाहे स्टेन ग्लव्स हो चाहे अनस्टेन ग्लव हो, किसमें जाएंगे, रेड में जाएंगे। बेटा हर एक चीज बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन चाहे ब्लड बैग बीटी सेट सब कुछ पूरी क्लास को सुनने के बाद में अगर जिस बच्चे का सिंगल वन डाउट भी रहा हर एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा, बशर्ते आप शांति से एक घंटे क्लास को समझे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना ये आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप आराम से समझे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब मैं सारे दिन पढ़ा दूंगा, उसके बाद में किसी भी बच्चे का एक सिंगल जवाब या सवाल नहीं रहेगा, ठीक है, चलेगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस के साथ समझेगा, हाँ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बता रहा हूं आपको सीरिंज, सीरिंज विदाउट निडल, बिना निडल के साथ में कहां पर जाएगी आपकी, रेड में जाने वाली है। बात क्लियर होगी सभी को, यहां तक समझ में आया ना। अब देखिएगा, मान लीजिएगा सीरिंज ये आपकी सीरिंज है, ठीक है, ये क्या है आपकी सीरिंज है, ठीक है, अब इस सीरिंज के साथ में हमने निडल फिक्स है, हमने निडल को कट कर दिया, निडल को कट कर दिया तो भी आपका रेड में ही जाएगा, किसमें जाएगा, रेड में। सीरिंज के रिगार्डिंग देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सीरिंज फिक्स विथ निडल, फिक्स विथ निडल, हर उस चीज की बात करूंगा जहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, सीरिंज फिक्स विथ निडल एंड द निडल कटिंग बाय द निडल कटर, ठीक है, हमने क्या किया, निडल को काट दिया आगे से तो भी किस में जाएगा, रेड में जाने वाला है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैं बात करता आपके ग्लव्स के रिगार्डिंग, किसकी बात करता, ग्लव्स के रिगार्डिंग, तो ग्लव्स का ध्यान रखना बेटा, ग्लव्स हमेशा रेड में जाएंगे, चाहे स्टेन ग्लव्स हो या फिर अनस्टेन हो, या फिर अनस्टेन हो,
अगर पेशेंट किसका है भाई, एचआईवी पेशेंट, ब्लड कंटामिनेशन किस में जाएगा सर, रेड में जाएगा, किस में जाएगा, रेड में जाने वाला है। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? नेक्स्ट वन, अब आगे देखिएगा, हम जो वैक्यूटेनस ट्यूब काम में लेते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, ब्लड सैंपल के लिए, किसमें डिस्कार्ड करेंगे? यहां पर भी दो कंसेप्ट बनते हैं भाई। अगर मान लीजिएगा वैक्यूटेनस क्या है, जो वैक्यूटेनस है विदाउट ब्लड है ना, क्या है, विदाउट ब्लड है, तो उसको भी किसमें डालने वाले हैं, रेड में डालेंगे। अगर उस वैक्यूटेनस में ब्लड रहेगा तो किसमें जाएगी, येल्लो में जाएगी। बात क्लियर हो गई सभी को? किसमें जाएगी, येलो के अंदर जाएगी। अगर उसमें ब्लड नहीं है तो रेड में आप उसको डाल सकते हैं। बात फिर होगी। नेक्स्ट वन, हमने यूज किया है ऑक्सीजन मास्क। क्या यूज किया है, ऑक्सीजन मास्क, किसमें डिस्कार्ड करेंगे, रेड में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, किसमें डिस्कार्ड करेंगे, रेड में, रेड बिन का लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पीछे से लिख रखा है मैंने, तो ध्यान देंगे, नए बच्चों को ध्यान नहीं रहेगा कि किसमें बता रहे सर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन देखिएगा, अगर मान लीजिएगा क्या है, थिक प्लास्टिक स्प्लैश प्रूफ एप्रोन है। क्या है, थिक प्लास्टिक स्प्लैश प्रूफ एप्रोन है, किसमें जाएगा, रेड में जाएगा। पीपीई किट की भी बात करूंगा, कोविड की गाइडलाइन सारी अलग है, कोविड की गाइडलाइन के अंदर सब कुछ यहां पर आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, बीटी सेट में ब्लड नहीं होगा। देखिए अभी ये भी बता रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए आपने चाहे बीटी सेट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर मान लीजिएगा जैसे आपने सीरिंज है, अगर सीरिंज के अंदर ब्लड है तो उस ब्लड को डालेंगे येलो के अंदर, सुन लेना भाई ध्यान से, उस ब्लड को डालेंगे येलो में, फिर आप सीरिंज को क्या डालेंगे, रेड में डालेंगे। ठीक है, बीटी सेट आपका जाएगा रेड के अंदर ही। यूरिन बैग किसमें जाएगा भाई, बात करते हैं यूरिन बैग की, किसमें जाने वाला है सर, यूरिन बैग भी रेड में ही जाएगा। यूरिन बैग की बात करते हैं, रेड में ही जाएगा, और यूरिन बैग का जो यूरिन है वो येलो में जाएगा। यूरिन बैग का जो यूरिन है वो किसमें जाएगा, येलो के अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, आपके जितने भी डाउट रहेंगे हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा फोकस के साथ समझ लीजिएगा। क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी आने वाले 45-50 मिनट के अंदर, उसके बाद में सिंगल वन स्टूडेंट का सिंगल वन डाउट भी रहेगा, तो उसका मैं आराम से रेस्पॉन्स कर पाऊंगा। अभी आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपका रेस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा हूं, ना ही टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा समझते हुए ध्यान से हर चीज को क्लियर करिएगा। समझ में आ गए? चलिए नेक्स्ट वन, आपने मान लीजिएगा एलिजा टेस्ट किया है। क्या किया है, एलिजा टेस्ट किया है, तो उसकी जो स्ट्रिप रहेगी वो कहां पर अपन डालने वाले। एलिजा टेस्ट के लिए हमने जो प्लेट यूज में ली है, एलिजा टेस्ट के लिए हमने जो प्लेट यूज में ली है वो भी किस में जाएगी, रेड में जाएगी, बट विदाउट कंटेनिंग ब्लड, विदाउट कंटेनिंग ब्लड, बिना ब्लड कंटेन की। समझ रहे हैं, बिना ब्लड कंटेन की। यहां तक क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया ना? इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? बीटी बैग बेटा, ब्लड बैग नहीं। देखिए मैं लिखवा दिया है मैंने, जो चीज रेड में जाएगी उसी की बात करें, बाकी अलग जगह आगे बात करेंगे ना हर चीज की। यहां पर केवल बीटी सेट जाएगा। अब दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन दे देता है क्या, ब्लड बैग अटैच विथ बीटी सेट, बीटी सेट के साथ में अटैच है, तो फिर वो येलो में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, येलो में। ये नोट कर लेना, ब्लड बैग के साथ में बीटी सेट अटैच ही है। अगर मान लीजिए उसको हमने डीअटैच नहीं किया, दोनों को एक साथ डिस्कार्ड करेंगे तो फिर वो येलो में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, किसमें डिस्कार्ड करेंगे, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट सेकंड वन देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपकी बात करूंगा ब्लैक बैग की। ब्लैक बैग के रिगार्डिंग सभी ने पढ़ रखा है सर, ब्लैक बैग जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जनरल वेस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, जनरल वेस्ट अपन डालते हैं। जनरल वेस्ट की बात होगी, जैसे मान लीजिए कोई पेपर वेस्ट हो गया, क्या हो गया, कोई पेपर वेस्ट हो गया, हो सकता है कोई मिनरल वाटर बॉटल हो, क्या हो, मिनरल वाटर बोतल हो,
मिनरल वाटर बोतल हो, इसके अलावा क्या हो सकता है? पेशेंट से मिलने घर वाले उसके आए थे और वो खाना लेकर आए थे, ठीक है, तो फूड वेस्ट हो गया। ये सारा किस में जाएगा? ब्लैक बैग में जाएगा, स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। पूछता ऐसी बात नहीं है कि ब्लैक बैग नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना भी जो जनरल वेस्ट रहेगा, कोई मान लीजिए कोई पॉलिथीन होगी, ठीक है, कोई पॉलिथीन होगी, जैसे मान लीजिएगा ग्लव्स आपने यूज लिए हैं, ग्लव्स के चारों तरफ आपको पता है कवर आता है, ठीक है, पेपर कवर आता है, पेपर कवर किसमें डालने वाले अपन? ब्लैक में डाल देंगे, ठीक है। ग्लव्स आपके किसमें जाएंगे? रेड में जाएंगे, लेकिन उनका जो कवर रहेगा, पेपर कवर, वो किसमें चला जाएगा? वो चला जाएगा हमारा सर ब्लैक के अंदर। तो ऐसे आपको सेग्रीगेट करना है समझते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन ब्लू की, किसकी बात करेंगे? ब्लू बैग की रिगार्डिंग। अगर मान लीजिएगा ब्लू बैग आपको दिया जाता है, तो ब्लू बैग में आप क्या क्या डालने वाले हैं? यहां पर आपको बहुत कुछ चीजें नई सीखने को मिलने वाली है कि सर ब्लू बैग में क्या क्या डिस्कार्ड करेंगे। सभी को बताएंगे सर जब ब्लू बैग यूज में ले तो वहां पर कौन सा रहेगा हमारा? हमारा यूज लेंगे अपन ग्लास वेस्ट। क्या? ग्लास वेस्ट, या फिर ब्रोकन ग्लास भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ब्रोकन ग्लास, कोई भी टूटे हुए ग्लास हो, ग्लास वेस्ट हो, किसमें जाएगा? ब्लू में चला जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछ लिया जाए वैक्सीन वायल, पूछ लिया जाए वैक्सीन वायल। लाइव वैक्सीन नहीं, लाइव वैक्सीन का अलग होगा, लाइव वैक्सीन अगर पूछा जाए तो वो अलग होगा, आगे बताऊंगा। सिंपली पूछा है आपको वैक्सीन वायल किस में डालेंगे? सर ब्लू में डाल देंगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिएगा हमें क्या, हम क्या यूज में ले रहे हैं? कोई भी मेडिसिन वायल है, यहां पर एक चीज सीखने को मिलेगी, देखिएगा, कोई मान लीजिएगा मेडिसिन वॉयल है या कोई एम्प्यूल है, वो किस में जाएगा? ब्लू में जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग, अगर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, वो आपकी कभी भी या उसकी एम्प्यूल कभी भी आपकी किसमें नहीं जाएगी? ब्लू में नहीं जाएगी। देखिए, ऑल एम्प्यूल एंड वायल शुड बी पुट इनटू द ब्लू बैग, बट इसके साथ याद रखेगा एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है, एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट वन, अगर आपको पूछ लिया जाए आपने अपनी बॉडी के अंदर कोई मेटेलिक इम्प्लांट करवा रखा है, क्या है? मेटेलिक इम्प्लांट ऑफ द बॉडी, मेटेलिक इम्प्लांट ऑफ द बॉडी, इम्प्लांट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट है, वो सारा किस में जाएगा? ब्लू में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते, मान लीजिएगा हमने कोई क्या करवा रखा है, कोई बोन की सर्जरी हुई है, जॉइंट की सर्जरी हुई है, तो वहां पर हमने क्या कोई स्प्लिंट लगवा लिया, ठीक है, कोई आपने वायर डलवाया है, कोई आपने स्क्रू लगवाए हैं, क्या लगवाए हैं? कोई वायर लगवाए, स्क्रू लगवाए, स्प्लिंट, वो सारे किसमें जाएंगे? वो सारे ब्लू के अंदर जाएंगे। बात क्लियर हो गई यहां पर? मान लीजिए कोई प्लेट कई बार डल जाती है बोन्स के अंदर, रोड डल जाती है, ठीक है, वो सारे किसमें जाएंगे? ब्लू में जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या पूछता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे के वायर क्वेश्चन आता है भाई इसका, के वायर एग्जाम्पल रहेगा आपका पेसमेकर, एग्जाम्पल क्या रहेगा? पेसमेकर। ये दो एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को? नेक्स्ट वन, इसके अलावा क्या पूछ सकता है एग्जाम्पल के अंदर? मेटेलिक एक्सटर्नल वायर, मेटेलिक एक्सटर्नल वायर किसमें जाएंगे? सर ब्लू के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को? वेस्ट फ्लूड, देखिए अभी बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज, मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि फोकस करें, एक डाउट नहीं रहेगा सिंगल वन स्टूडेंट का, और रहेगा तो यही तो है, जा थोड़ी रहे हैं कहीं, है ना, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम्पल से पूछा जाता है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, व्हाइट बैग, व्हाइट बैग, अगर सफेद बैग है तो उसमें क्या होगा? मेटेलिक शार्प, मेटेलिक और शार्प वेस्ट होने वाले हैं, शार्प वेस्ट, शार्प वेस्ट एंड मेटेलिक, जैसे स्कैपल्स इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सूचर निडल इसी के अंदर आने वाली है। बात क्लियर हुई? तो इसमें एग्जांपल लिखिएगा स्कैपल्स निडल्स, चाहे फिर वो सूचर निडल हो, क्या हो,
सूचर निडिल हो, इसी के अलावा सिरिंज विथ फिक्स निडिल, सिरिंज विथ फिक्स निडिल, अगर आपके पास में क्या है फिक्स निडिल, सॉरी फिक्स निडिल सिरिंज है, वो भी किस में डाल देंगे आप, व्हाइट में डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जामिनर कुछ भी घुमाए, जैसे लंबर पंक्चर निडिल है तो निडिल है ना, ठीक है। इसके अलावा ट्रोकार कैनुला, क्या है ट्रोकार कैनुला, ठीक है। स्टिलेट जो होता है कैनुला का, उसमें भी निडिल होती है। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ब्लड बैग जाएगा येलो के अंदर, सबर रख लो, कितना ही समझा लो सर हम नहीं मानेंगे, है ना, ऐसा ही कुछ है ना। नेक्स्ट वन, इसके अलावा ब्लेड, इसके अलावा सर्जिकल स्टैब नाइफ, सर्जिकल स्टैब नाइफ, ये सारे के सारे किस में जाने वाले, आपके व्हाइट के अंदर जाने वाले हैं, याद रहेगा सभी को। सर्जिकल ब्लेड आ गई ना बेटा, स्कैपल्स क्या होते हैं, स्कैपल्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां पर भी लिख दिया है सर्जिकल स्टैब नाइफ, आप जो चाहते हैं वो भी लिख देते हैं सर्जिकल ब्लेड, क्लियर। यहां तक सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, अगली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, और सबसे ज्यादा जहां से कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन, दोनों चीजें आपको मिलने वाली है, दैट इज द येलो बैग। येलो बैग को जितना ध्यान से सुनोगे और समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वैसे तो एक चीज होती है क्या, कि जितना उनमें बता दिया उसके अलावा सब कुछ इसमें आएगा, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो या फिर पूरे येलो बैग को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन उसी की बात कर लेते हैं जिसके लिए साथ, जिसके पीछे सब पड़े हैं, दैट इज फर्स्ट वन ब्लड बैग। पहला, सबसे पहला क्या आएगा, ब्लड बैग। दूसरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिएगा लाइव वैक्सीन होती है कोई, क्या लाइव वैक्सीन किसमें आएंगी आपकी, किसमें आने वाली है, येलो बैग के अंदर। हमने वायल देखिए, वैक्सीन वायल हमने पीछे बताई आपको, ठीक है, किसके अंदर, ब्लू के अंदर वैक्सीन वायल हमने डाल दी है। लेकिन अगर बात करते हैं लाइव वैक्सीन, ठीक है, तो वो किसमें आने वाली है, येलो के अंदर आने वाली है, ठीक है। याद समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बात करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे अब इसमें क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन क्या बनाता है, जैसे पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट है जो आपने कट कर दिया है, ठीक है, कोई रिसेक्टेड पार्ट है, क्या है, रिसेक्टेड पार्ट है। क्वेश्चन पूछता है फीटस बिफोर द वायबिलिटी पीरियड, क्या पूछता है, फीटस बिफोर द वायबिलिटी पीरियड, वायबिलिटी पीरियड से पहले का जो फीटस रहेगा उसको भी किसमें डालेंगे आप, येलो के अंदर डालेंगे, किसमें डालेंगे, येलो के अंदर डालेंगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट वन, आपने मान लिया कोई दांत निकाला है किसी पर्सन का, ठीक है, तो रिमूव्ड टूथ, रिमूव्ड टूथ, हमने किसी का दांत निकाल दिया भाई, ठीक है, किसमें आएगा, वो भी आपका येलो के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट वन, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिकेशंस, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिंस किसमें आने वाली है, किसमें आने वाली है, येलो बैग के अंदर आने वाली है। नोट कर लीजिएगा, हमने बात की थी अभी पीछे साइटोटॉक्सिक ड्रग को नहीं डालेंगे वहां पर, तो यहीं पर आएंगे आपकी क्या, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स किसमें आने वाली है, येलो के अंदर आने वाली है। हर एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आपको कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर है वो, आपकी सोच से बहुत आगे चल रहा है वो, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, जितने भी बॉडी पार्ट हो, चाहे वो प्लेसेंटा दे दे, चाहे फीटस दे दे वायबिलिटी पीरियड से पहले, हमने कोई दांत निकाल दिया वो दे दिया आपको, हमने कोई बॉडी पार्ट को रिसेक्ट किया है, ठीक है,
कोई इंजरी के कारण उंगली क्रश हो गई है तो उसको हमने कट कर दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है। कोई मेडिसिन जो क्या है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करती हो, एक्सपायर्ड है मेडिकेशन, उन सभी को किसमें डालने वाले हैं अपन, येलो बैग के अंदर डालने वाले हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहां तक सभी को? येलो बैग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो बात होगी हमारी कौन सी एनाटॉमिकल वेस्ट के रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है, आ रही ना समझ में? नेक्स्ट वन आगे देखिएगा, क्वेश्चन आगे क्या, आगे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम किसके बारे में, सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट की मतलब क्या हो गया, मान लीजिएगा बेडिंग्स और लीनन इंफेक्टेड या कंटामिनेटेड, क्या है बेटा, इंफेक्टेड बेडिंग्स या फिर लीनन, ठीक है, बेडशीट वगैरह, ठीक है, वो सारे किसमें जाएंगे आपके, येलो के अंदर जाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? प्लास्टर कास्ट भी इसमें आएगा, मैं बोल रहा हूं हर चीज क्लियर होगी लेकिन ध्यान से सुनोगे तब क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिएगा कोई बॉडी फ्लूड है, क्या है, बॉडी फ्लूड है, वो किसमें आने वाला है, यहीं पर आएगा, कंटामिनेटेड ड्रेसिंग्स, कंटामिनेटेड ड्रेसिंग मटेरियल किसमें आएगा, येलो में आएगा। हमने कोई स्वैब कल्चर लिया था, ठीक है, स्वैब कल्चर हमने लिया था, किसमें आएगा, येलो के अंदर आएगा, सोल्ड बेस्ट में आएगा, ठीक है, इसमें भी एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट वन, प्लास्टर कास्ट किसमें आएगा, प्लास्टर कास्ट भी आपका किसमें आने वाला है, येलो के अंदर आने वाला है। बात समझ में आएगी सभी को? कॉटन स्वैब हमने लिया था, कोई हमने कॉटन स्वैब लिया, पेशेंट को कुछ मान लीजिएगा कुछ भी ओरल इन्फेक्शन था तो हमने कर लिया कल्चर के लिए कॉटन स्वैब यूज में लिया, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नोट लगा लो भाई, यहां दो तीन नोट लगा लेना क्योंकि कोविड के अंदर यहां पर कुछ अलग चीजें आएंगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एम्पुटेट भी येलो में आएगा, लैब वेस्ट बिल्कुल इसी में आने वाला है, उसकी भी बात करूंगा मैं, सुनो ध्यान से और समझो ध्यान से बस। इसमें देखिएगा, नोट लगाना, अगर मान लीजिए आप क्या यूज ले रहे हैं, सर हम मास्क यूज में ले रहे हैं, क्या यूज में ले रहे हैं, मास्क यूज आपने लिया है, आपने शू कवर यूज में लिया है, क्या शू कवर आपने यूज लिया है, गाउन आपने यूज लिया है, क्या लिया आपने, गाउन आपने यूज लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। कैप आपने यूज में लिए, क्या यूज में लिए है, कैप, वो भी किस में आने वाला है आपका, येलो के अंदर आने वाला है। अगर मान लीजिए कोई केमिकल है, क्या है, कोई केमिकल है, उसको भी येलो में डिस्कार्ड करेंगे, जैसे फ्लोर को क्लीन करने के लिए केमिकल है, ठीक है, फ्लोर क्लीनिंग केमिकल था, उसको कहां डिस्कार्ड करोगे, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। बात समझ में आ गई? साइटोटॉक्सिक ड्रग कब से ब्लैक में आने लग गई? मैं ये कह रहा हूं कि आपने आज से पहले जितना भी कहीं पढ़ा होगा, पता नहीं कहां कहां क्या क्या चीजें आपने पढ़ी होंगी, कहां क्या कंफ्यूजन था, इस बोर्ड पे लिखी हुई हर एक लाइन 110% आपके लिए इफेक्टिव रहेगी, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। बात समझ रही मेरी? चलिए आगे बात करते हैं। हमने मान लिया कोई बॉडी फ्लूड एस्पायरेट किया है, क्या किया बेटा, कोई बॉडी फ्लूड एस्पायरेट किया है, बॉडी फ्लूड एस्पायरेट किया है, बॉडी फ्लूड एस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने सीएसएफ कलेक्शन लिया, ठीक है, क्या किया आपने, सीएसएफ कलेक्ट किया, मान लिया किसी पेशेंट को एसाइटिस था, वहां से हमने फ्लूड कलेक्ट किया, मान लिया किसी पेशेंट का हमने चेस्ट ड्रेनेज किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, चेस्ट ड्रेन किया है, कोई भी फ्लूड आपने एस्पायरेट किया है वो सारे फ्लूड किसमें जाएंगे, येलो के अंदर जाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जैसे मान लीजिएगा पेशेंट ने स्पूटम यानी कफ आउट किया है, स्पूटम, पेशेंट मान लीजिएगा यूरिन पास आउट किया है, पेशेंट मान लीजिएगा स्टूल पास आउट किया है, किसमें जाएगा, येलो के अंदर जाएगा, किसमें जाएगा, येलो में आएगा। बात क्लियर होगी सभी को? जितना भी लोचा हो रखा है बीएमडब्ल्यू का, क्लास के नोट्स बना लेना और किसी भी एग्जाम के अंदर फ्री माइंड से आप आंसर करके आना, ठीक है, क्योंकि क्लास मैंने आपको करवाई तो ऐसा नहीं कि बेटा सिर्फ सिंपली आपके जो
आपकी जो बुक्स है उन्हीं में से देख के आपको करवा दिया गया है। ये हर एक लाइन पूरी वेरीफाइड करने के बाद में आपके बोर्ड के ऊपर लिखी जा रही है, क्योंकि यहां से गलत होने वाला हर एक सवाल आपके करियर के लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको यहां पर गलत मिलने वाले है, स्टैटिक 100% प्रूफ हर एक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, बशर्ते आप इनको अच्छे से पढ़े और याद करें तब काम की है, ऐसे काम की नहीं है। ठीक है, हाँ, तो डिस्कार्डेड मैट्रिसेस लिनन की हमने बात कर ली, किस में आएगी, येलो में आएंगे, बात क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, लेबोरेटरी वेस्ट लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लेबोरेटरी वेस्ट। हमने एक लाइन लिखी थी भाई पीछे, क्या रेड कलर में लिखी थी, वैक्यूटेनस ट्यूब, वैक्यूटेनस जो होती है वो रेड में चली जाती है लेकिन विदाउट ब्लड, यहां पर क्या होगा, वैक्यूटेनर ट्यूब कंटेनिंग ब्लड, अगर उसमें ब्लड है तो। लेबोरेटरी में जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं वो जहां पर जितने भी फ्लूड बचेंगे, हमने कोई ब्लड सैंपल भेजा है लेबोरेटरी में, कोई फ्लूड बच गया किसमें जाएगा, येलो के अंदर डाल देंगे, बात क्लियर होगी सभी को। जैसे इसी के अलावा एक्सरे फिल्म का लिक्विड भी पूछ लिया जाता है, क्या एक्सरे फिल्म में लिक्विड किसमें डाल देंगे, ये भी आपका येलो के अंदर ही डाला जाएगा, किसमें डाला जाएगा, येलो के अंदर ही डाला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिएगा आपको कुछ भी लेबोरेटरी के रिगार्डिंग पूछा जाए सारा का सारा येलो में जाएगा। एक क्लासिफिकेशन पूछता है, क्या बायोटेक वेस्ट, नाम लिख लेना, इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, बायोटेक वेस्ट या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, इस बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को किसमें डालते हैं, येलो के अंदर डालते हैं। बात समझ में आई है नहीं आई है, ये सारे वेस्ट मैंने एक एक लाइन करके लिखवा दिया है। अब देखिएगा यहां से आपको कंफ्यूजन जो रहता है वो रहता है सर कोविड के पेशेंट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, कोविड के दौरान जो पीपीई किट चल रहे थे, ठीक है, जो पीपीई किट चल रहे थे वो कभी प्लास्टिक के आते थे, ठीक है, कभी सेमी प्लास्टिक के आते थे, कभी नॉन प्लास्टिक के आते थे। अगर आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल में वर्क किया होगा तो सभी को पता होगा कि पीपीई किट जैसे ड्यूरेशन के हिसाब से हो सकता है, कभी हमने किस कंपनी के मंगवा लिए, कभी किस कंपनी के मंगवा लिए, अभी प्लास्टिक के आ रहे हैं, अभी सेमी प्लास्टिक के आ रहे हैं, अभी नॉन प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो यहां पर हमारी कैटेगरी बदल जाती है, ठीक है, कि प्लास्टिक को कहां डालना है, सेमी प्लास्टिक को कहां डालना है, नॉन प्लास्टिक मेटेरियल को आपको कहां डालना है। तो एम्स के अंदर भी क्या होता है, बार बार ये गाइडलाइन चेंज होती रहती है कि आपको एक्जैक्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको डालना कहां पर है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, पीपीई किट के रिगार्डिंग, इसलिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। तो पीपीई किट के रिगार्डिंग आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, अगर डायरेक्टली पूछे तो उसके लिए भी हमारे पास आंसर है, और अगर आपको मान लीजिएगा प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक सेमी प्लास्टिक पूछे तो उसके लिए भी हमारे पास आंसर है, तो दोनों चीजों के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करूंगा मैं किसके रिगार्डिंग, कि कोविड वाले पेशेंट के रिगार्डिंग जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहां पर अपन डिस्कार्ड करने वाले हैं। 3 से 4 इंपोर्टेंट लाइनें हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट वन, बात करते हैं कोविड की रिगार्डिंग, कोविड का कोई पेशेंट है उसकी आप केयर कर रहे हैं, उसकी आप क्या करें, केयर कर रहे हैं। सर केयर तो करनी ही पड़ेगी, पेशेंट की केयर करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। हमने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हमने कॉलेज में यही कहा था हमारे टीचर्स को कि हम समाज सेवा करने के लिए नर्सिंग में आए हैं, ऐसा ही कहा था ना सभी ने। चलिए यहां पर देखिएगा, बात जब करते हैं येलो की तो इसमें क्या आएगा, सर इसमें मास्क आएगा, इसमें शू कवर आएगा, ठीक है, इसमें कैप आने वाली है, क्या कैप, मास्क, देख ली, एक एक लाइन याद रखें, गॉगल्स अलग होंगे आपके, मास्क होगा, शू कवर होगा, हेड को कवर करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है, और कैप अपन यूज में लेते हैं। इसके अलावा देखिएगा, हो सकता है इस कैप की जगह आपको हेड कवर भी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, हेड कवर, वो भी किसमें जाएगा, येलो में जाएगा। इसके अलावा डिस्पोजेबल गाउन, क्या है, डिस्पोजेबल गाउन, बाकी सारी कैटेगरी सेम रहेगी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, बाकी सारी सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, येलो के अंदर देखिएगा, नॉन प्लास्टिक एंड सेमी प्लास्टिक कवरऑल,
नॉन प्लास्टिक एंड सेमी प्लास्टिक कवरऑल। कवरऑल क्या होता है, हम पीपीई किट बोलते हैं ना, तो पूरा किट हो गया वो, तो उसमें आपका फेस मास्क भी आएगा, फेस शील्ड भी आएगी, गॉगल्स भी आएंगे, शू कवर भी आएगा, हेड कवर भी आएगा, ठीक है, उसके अंदर कवरऑल भी होगा। कवरऑल क्या होता है, जो हम एग्जैक्टली पहनते हैं, ठीक है, यानी कवरऑल का मतलब वो है जो हमारे कपड़ों को या हमारे बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, कि कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट जो है डायरेक्टली हमारे क्लॉथ्स के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कवरऑल, ठीक है। तो सेमी प्लास्टिक हो या फिर नॉन प्लास्टिक कवरऑल होगा, किसमें जाएगा, सर जाएगा येलो के अंदर। देख लेना कौन कौन सी चीज कहां कहां डाल रहे हैं, ठीक है, हर चीज को ध्यान से समझना बेटा। हम बात करते हैं किसकी, यहां पर मैंने लिखा है कवरऑल, ठीक है, सॉरी ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कवरऑल किसे कहेंगे, जो हम एग्जैक्टली हमारे कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, यानी एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमारे क्लोथ्स को किसी कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज द कवरऑल। उसके अलावा सारी चीजें मैं आपको सेपरेटली पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा सारी अपन सेपरेटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें देखिएगा, रेड कलर की बात कर रहे हैं। अब रेड कलर के अंदर पीपीई किट के कुछ इक्विपमेंट डाले जाते हैं रेड कलर में। कौन कौन से डाले जाएंगे, जैसे गॉगल्स की बात करते हैं, फेस शील्ड, गॉगल्स हो गया रेड कलर में, फेस शील्ड हम इसी में डालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्प्लैश प्रूफ एप्रोन। नेक्स्ट वन, प्लास्टिक कवरऑल। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक कवरऑल, याद रहेगा सभी को, बाकी रिमेनिंग व्हाइट और ब्लू एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, हर एक चीज याद कर लेना अच्छे से, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन देखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्री ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए पूछा जाता है, सर क्वेश्चन पूछा जाता है प्री ट्रीटमेंट के लिए, और प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिएगा आपने वेस्ट को कलेक्ट तो कर लिया, क्या कर लिया बेटा, हमने वेस्ट को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद में उस वेस्ट को भेजेंगे, क्या करेंगे, उस वेस्ट को भेज देंगे, लेकिन भेजने से पहले उसको प्री ट्रीट किया जाता है, तो एक ही चीज नोट रखना, ठीक है, एक ही चीज याद रखना कि प्री ट्रीटमेंट ओनली इन येलो कैटेगरी, ओनली डन फॉर येलो कैटेगरी, येलो कैटेगरी के लिए, और उस येलो कैटेगरी में भी कुछ स्पेसिफिक हैं, तो तीनों चीजें नोट कर लेना। केवल हम जो प्री ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो येलो कैटेगरी के वेस्ट के लिए ही करते हैं, उसके अलावा किसी वेस्ट के लिए आपको प्री ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएंगे भी आपके आगे, ठीक है, क्वेश्चन आगे आएंगे भी आपके आगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी जहां पर अपन प्री ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिएगा सोइल्ड बेस्ड है, क्या है, सोइल्ड बेस्ड है, और उसके अंदर भी सोइल्ड लीनन है, तो उस सोइल्ड लीनन को अपन 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में प्री ट्रीट करेंगे, किसके साथ में, 5% हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ में आपको क्या करना है, प्री ट्रीट करके भेजना है। उसके बाद में आप आगे क्या करेंगे, अपन इसके आगे फिर अपन क्या करेंगे, इसका जो भी डिस्पोजल होगा या फिर इसका जो इंसिनरेशन करना है, फिर इसको रिसाइकलिंग करना है, रीयूज करना है, जो भी होगा, ठीक है। एमसीक्यूज क्लास इसी के आगे होगी, ठीक है, अगले ही पेज में एमसीक्यूज आपके इंतजार कर रहे हैं, जितना आपने पढ़ा है ना उसके लिए कम से कम 25 से 30 एमसीक्यूज आपका वेट कर रहे हैं, थोड़ा सबर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन याद रखना, सोइल्ड लीनन, दूसरा इन्फेक्टेड सीक्रेशन, इन्फेक्टेड सीक्रेशंस एंड बॉडी फ्लूड। अगर मान लीजिए पेशेंट की बॉडी से कोई सीक्रेशन है या कोई बॉडी फ्लूड है
उसको भी क्या करना है आपको, सर उसको भी हमें प्री ट्रीट करना है, क्या करना है, प्री ट्रीट करना है। प्री ट्रीट किससे कर सकते हैं, या तो फिनोल से कर सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 5% हाइपोक्लोराइट, क्या दिया जाएगा 5% हाइपोक्लोराइट। बात क्लियर होगी सभी को यहां तक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट वन, हमने अभी आपको एक लाइन लिखाई थी क्या, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक वेस्ट, तीसरा मैं तीन चीज बता रहा था, एक दो और तीन, तो माइक्रोबायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर क्या कह सकते उसको बायोटेक वेस्ट, क्या कह सकते हैं बायोटेक वेस्ट, इन्हें भी अपन क्या कर सकते हैं, केमिकल और मैकेनिकल दोनों यूज लेंगे। तो केमिकल में तो क्या हो जाएगा सर, केमिकल में तो यही यूज लेंगे, और मैकेनिकल में क्या यूज लेंगे सर, मैकेनिकल में ऑटोक्लेविंग, क्या यूज लेंगे मैकेनिकल में ऑटोक्लेव। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए ये हमने बात कर ली किसके रिगार्डिंग, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग, कि कौन सा वेस्ट कहां पर आपको डालना है। यहां से मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर एम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। बीएमडब्ल्यू का अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए 100% इफेक्टिव है, जितने क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन को देखते जाएगा, फटाफट आंसर पुट कीजिएगा। साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर ड्रग आर डिस्पोज्ड बाय द, अगर कोई साइटोटॉक्सिक और एक्सपायर ड्रग है उसको किसके द्वारा डिस्पोज करेंगे बेटा, ऑटोक्लेव इंसिनेशन की क्लास शाम को है 6 बजे, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा, इवनिंग में 6 बजे क्लास है आपकी, ठीक है। चलिए, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर ड्रग आर डिस्पोज्ड बाय द डंपिंग, ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन, या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन। बेटा डाउट पूछेंगे ना, क्वेश्चन करो उसके बाद में डाउट पूछेंगे, नो वरी अबाउट दैट, जो भी डाउट होगा उसका पूरा रिस्पॉन्स दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, एक्सपायर्ड मेडिकेशन है, ठीक है, या साइटोटॉक्सिक ड्रग है, तो इनको क्या करते हैं, इनको सर हम इंसिनरेट करेंगे, ठीक है, इनको डिस्पोज करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंसिनरेशन, और इंसिनरेशन में क्या होता है आपका, इंसिनरेटर यूज लेते हैं, इसमें क्या होगा, हम इसको जलाकर क्या कर देंगे, एश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑप्शन सी आपका सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखेगा, ए नर्स कीप द बीन्स एज शो इन द इमेज इन द हॉस्पिटल, सो वार्ड Which of the following item would go into the black bin? यानी कौन सा आइटम जो है वो ब्लैक बिन में जाएगा? पहला है सोइल्ड लीलन बेडशीट, दूसरा है ग्लव पेपर कवर, तीसरा है ग्लव्स, चौथा है कंटामिनेटेड ग्लव्स। जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, सी भी कर रहे थे कुछ, तो ध्यान से देखो, ग्लव्स पेपर कवर, बोला था मैंने कि अगर ग्लव्स के पेपर कवर डालेंगे तो किस पे डालेंगे, ब्लैक में डालेंगे, जनरल वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया ना, वो सोइल्ड लीलन बेडशीट किसमें जाएगी, येलो के अंदर चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, येलो के अंदर। नेक्स्ट, चाहे ग्लव्स कंटामिनेटेड हो चाहे नॉन कंटामिनेटेड हो, मैंने लिखा था स्टेन और अनस्टेन, बोथ आर पुट इनटू द रेड बिन, किसमें जाने वाला है, रेड बिन में। बात क्लियर हुई, आगे देखेगा नेक्स्ट वन, इसने पूरी क्लास शुरुआत से देखिए, स्टार्टिंग से 1% भी डाउट नहीं रहने वाला है, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा उस बच्चे का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेयर आर द ब्लड बैग एंड यूरिन बैग डिस्कार्डेड अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, हम जो ब्लड बैग और यूरिन बैग जो होते हैं उनको अपन कहां डिस्कार्ड करने वाले, बोथ आर डिस्पोज ऑफ इन येलो कंटेनर, बोथ आर डिस्पोज ऑफ इन द रेड कंटेनर, यूरिन बैग इन द रेड कंटेनर एंड येलो बैग इन द ब्लड बैग इन द येलो कंटेनर, यूरिन बैग इन द येलो कंटेनर एंड ब्लड बैग इन द रेड कंटेनर, विच वन इज राइट। देखो अब तुम देख लो तुमने क्लास में क्या पढ़ा है, मतलब पिछले 1 घंटे की क्लास में तुमने क्या पढ़ा है वो तुम्हारे सामने रहेगा।
वेरी गुड, गलत गलत आंसर देते हो, है ना। तो यहां पर देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया क्लियरली, यूरिन बैग रेड में डालेंगे, ब्लड बैग येलो में जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक बताया, हर एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। उसके बाद ये बच्चे गलत आंसर पुट करते हैं। बेटा देखो, मैंने भी लास्ट क्लास, अभी इसी क्लास में आपको हर एक चीज पढ़ाई है, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया। उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहे हैं आपके, तो क्लास को जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे एग्जाम देने के बाद में, ये चीज फील होगी कि हमने उस क्लास से कितना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर तो आंसर भी लगा रखा है क्या इन्होंने, चलो भाई नहीं दिखा, नहीं दिखा किसी को, है ना। ए चाइल्ड प्रेजेंटेड विद अ फेरिंजाइटिस, ए थ्रोट स्वैब वाज द ऑप्टेन एंड सेंट फॉर द कल्चर, कल्चर के लिए हमने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द यूज्ड स्वैब शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बिन, कौन से कलर बिन में जाएगा। बेटा यूरिन बैग रेड बट यूरिन विथ, हाँ यूरिन तो हम येलो में डाल ही रहे हैं ना, ये सेम चीज होती है। अगर ऐसा कंसेप्ट कहीं अगर पढ़ा है आपने, जैसे मान लीजिएगा ऐसी कोई सिरिंज है जिसमें ब्लड है, हमने उसको फेंकना किसके अंदर है सर, हम वैसे तो क्या करेंगे, ब्लड को तो डिस्कार्ड करेंगे रेड, सॉरी येलो में, और उस सिरिंज को किसमें डिस्कार्ड करेंगे, रेड में। लेकिन हमें डिस्कार्ड नहीं करें तो पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, येलो में। सेम एज इट इज वही कंसेप्ट आपका किसके साथ होगा, यूरिन बैग के साथ होने वाला है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हमने क्या है यूज स्वैब, कॉटन स्वैब एग्जांपल बताया था अभी मैंने आपको, येलो में चला जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड पेसमेकर शुड बी डिस्पोज ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड बैग, हमने बात किसके रिगार्डिंग सर, हमने बात किया पेसमेकर यानी मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, क्या है मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट है, और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट मैंने आपको बताया था, चाहे किसी प्रकार की कोई प्लेट इम्प्लांट हो, किसी प्रकार कोई स्क्रू इम्प्लांट हो, रोड इम्प्लांट हो, स्प्लिंट हमने लगा रखा हो, सारे के सारे किसमें जाने वाले हैं, सारे के सारे आंसर सारे के सारे किसमें जाने वाले हैं, आंसर पुट करिएगा बेटा। पेसमेकर सीधा एग्जाम्पल देके लिखवाया था, उसके बाद में आप ऑप्शन तो है ना बेटा, येलो व्हाइट ब्लैक ब्लू, ऑप्शन दिख नहीं रही क्या आपको, अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ में लिखवाया था मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट है, उसके बाद में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वेरी गुड, किस में जाने वाला है, ब्लू के अंदर। याद रखना, द ऑल मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, चाहे कुछ भी हो वो, ठीक है, चाहे कोई स्क्रू हो, चाहे के वायर हो, चाहे पेस मेकर हो, ठीक है, सब किस में जाएंगे, सब सारे के सारे ब्लू में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, Which of the following waste are disposed in the bag show in the below? देखिए बैग हमें दिखाई दे रहा है सर, रेड कलर का है, कैसा है, रेड बिन है, और इस रेड बिन में क्या डालेंगे सर, रेड बिन में सारे ट्यूबिंग्स डाल सकते हैं अपन, ठीक है, पिक लाइन हो गया, कैथेटर हो गया, सेंट्रल लाइन हो गई, ठीक है, आईवी बोतल हो गई, बीटी सेट हो गया, यूरिन बैग हो गया, किसमें डाल सकते हैं, रेड में डाल सकते हैं। एनाटोमिकल वेस्ट किसमें जाएगा, येलो में जाएगा। सोल्ड वेस्ट किसमें जाएगा, येलो में जाएगा। शार्प वेट किसमें जाने वाला है, शार्प वेस्ट की बात करते हैं, यहां पर शार्प किसको इंडिकेट करेगा, व्हाइट को, यानी शार्प और मेटेलिक वेस्ट किसमें जाएगा, व्हाइट में जाएगा। तो यूरिन बैग आपका रेड में जाएगा, और ये दोनों किसमें जाने वाले, आपके येलो में जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर शार्प की बात करते हैं तो किसमें जाएगा, व्हाइट में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, व्हाइट में, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, व्हाइल वर्किंग एज एन नर्सिंग ऑफिसर इन द लेबर वार्ड, वेयर वुड यू डिस्पोज ऑफ द प्लेसेंटा फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में आप प्लेसेंटा को कहां पर डिस्कार्ड करने वाले हैं सर, हम डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करेंगे येलो के अंदर, किसमें डिस्कार्ड करेंगे, येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द येलो वेस्ट डिस्पोजेबल बैग, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है,
दे आर मेड फ्रॉम द नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल. द केमिकल लिक्विड वेस्ट आर कलेक्टेड इन इट. इसमें केमिकल लिक्विड कलेक्ट करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम, येलो की बात कर रहे हैं, ठीक है. अबाउट द येलो वेस्ट बैग, येलो बैग की रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है. द मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट आर डिस्कार्डेड इन इट. द पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स आर डिस्कार्डेड इन इट एंड सेंड फॉर द इंसिनरेशन. एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट इज कलेक्टेड इन इट एंड सेंड फॉर द केमिकल ट्रीटमेंट. क्वेश्चन को अच्छे से समझना. सी डी एंड ई अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे. हर वो छोटी छोटी चीज जो एम्स हमसे गलती करवाता है, ठीक है, वो सीखने को मिलेगी आपको कहीं ना कहीं यहां से. ऑप्शन सी जो दे रहे हैं आप, मतलब मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट आर डिस्कार्डेड इन, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट डिस्कार्ड करते हैं कि इसमें, अभी तो हमने पढ़ा था. आप जो ऑप्शन सी आंसर करें, ठीक है, वो आप किससे कर रहे हैं सर, हम डी और ई को देखकर कर रहे हैं. लगता है सर ऑप्शन ही गलत है इसमें, ऐसा लग रहा है ना. मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट अभी तो हमने पढ़ा था. समझ लो, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डी सर एबीडी, एबीडी मतलब मेड फ्रॉम द नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल, और डी क्या करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स आर डिस्कार्डेड इन. इतना समझाने के बाद में आप ये सब करोगे, उम्मीद नहीं थी मुझे. समझ लो भाई, देखिए पीवीसी ग्लव है, मोस्ट कॉमन अपन हाउसकीपिंग वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है. तो आप क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं कि ग्लव्स को हम येलो में डालेंगे. अब बताओ गलत हो गया है. तो हर चीज अच्छे से देखो. अगर आप कह रहे हैं मैं, हाँ डी ऑप्शन आप जहां पर दे रहे हैं ना, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स आर डिस्कार्ड इन सेंड फॉर द इंसिनरेशन, तो ग्लव्स को आप कब से येलो में डालने लग गए, नहीं डालते ना. तो सर फिर घूम फिर के क्या आएगा आंसर, घूम फिर के ध्यान दीजिएगा बेटा, दे आर मेड फ्रॉम द नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल. नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं और केमिकल लिक्विड वेस्ट आर कलेक्टेड इन. मैंने लिखवाया है केमिकल लिक्विड वेस्ट, क्या लिखवाया था, फ्लोर क्लीनिंग वेस्ट हम किसमें डालते हैं, येलो में ही डालते हैं, लिखवाया है ना, ध्यान से याद करो और समझो, ठीक है. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ए एंड बी, उसके अलावा कोई सा राइट नहीं होगा, समझ लो, ठीक है. इसमें अगर बात करते हैं मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट ब्लू में डालते हैं, ठीक है, येलो में नहीं डालते हैं, ब्लू में डालते हैं ना, सभी को समझ में आ रखा है. दूसरी बात करते हैं सर पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स, ग्लव्स की बात आगे मैंने कहा था, सारे ग्लव्स रेड में जाएंगे, सारे ग्लव्स किस में चले जाएंगे सर, रेड में चले जाते हैं. तीसरी बात करते देखिएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट इज कलेक्टेड इन इट, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे गलत है. सेंट फॉर केमिकल ट्रीटमेंट, मैंने क्या कहा था, येलो के अंदर तीन ही कैटेगरी है जिसको प्री ट्रीट किया जाता है, येलो में तीन ही कैटेगरी है जिसको प्री ट्रीट किया जाता है. और तीन कैटेगरी कौन कौन सी थी हमारे पास में, सोइल्ड लीलन थे जिसको अपन क्या कर रहे थे, प्री ट्रीट कर रहे थे. बॉडी सिक्रेशंस थे, बॉडी के सिक्रेशंस थे जिसको हम क्या कर रहे थे, प्री ट्रीट कर रहे थे. और तीसरा क्या था हमारा, बायोटेक या लेबोरेटरी वेस्ट जो थे उसको अपन क्या कर रहे थे, प्री ट्रीट कर रहे थे. बॉडी वेस्ट को थोड़ी प्री ट्रीट करना आपको, नहीं करना ना, केवल तीन ही कैटेगरी प्री ट्रीटमेंट आपको करना है, ठीक है. तो ये भी तीनों ही नहीं होंगे, तीनों ही नहीं होंगे, ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया सभी को, तो राइट आंसर ए रहेगा. आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंसिनरेटेड, किसको इंसिनरेशन नहीं किया जाएगा, किसको इंसिनरेशन नहीं किया जाएगा, आंसर दीजिएगा बेटा. ई क्यों नहीं होगा, बता दिया मैंने, एनाटॉमिकल वेस्ट को कलेक्ट तो करते हैं लेकिन उसका प्री ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजते कभी भी उसको, उसको प्री ट्रीटमेंट नहीं करते, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंसिनरेटेड, ये
बेटा बैग की बात हो रही थी, वो नॉन क्लोरिनेटेड बैग की बात हो रही थी कि बैग बना होता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा किसको हम इंसिनरेट नहीं करेंगे, नॉट बी इंसिनरेटेड। पहला है शार्प एंड वेस्ट विथ हैवी मेटल, दूसरा है रिएक्टिव केमिकल वेस्ट, तीसरा है स्पेसिमेन ऑफ माइक्रोविन, चौथा है प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर, और पांचवा है लाइव और अटेन्यूटेड वैक्सीन। बी सी एंड डी, बी सी डी नीचे ऑप्शन है ना बेटा, इसमें से आंसर करो। इंसिनरेट किसको नहीं करेंगे, इंसिनरेट किसको नहीं करेगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखिएगा यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी, ए बी एंड डी। देखिए शार्प एंड वेस्ट विद हैवी मेटल्स, इसमें हैवी मेटल्स हो उसको आपको इंसिनरेट नहीं करना है। रिएक्टिव केमिकल वेस्ट जिसके अंदर कुछ रिएक्शन हो सकती है ऐसा केमिकल वेस्ट नहीं करना है। प्रेशराइज गैस कंटेनर जिसके अंदर क्या हो, प्रेशराइज गैस प्रेजेंट हो ऐसे कंटेनर को आपको इंसिनरेट नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो सकता है वहां से ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट हैज रिमूव्ड ए के वायर फ्रॉम द फ्रैक्चर ओलिक्रोनन ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड बॉय, वेयर शुड ही डिस्कार्ड दिस, इसको हम कहां डिस्कार्ड करने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है द कैडमियम फ्री रेड कलर्ड बैग, दूसरा है कार्डबोर्ड बॉक्स विद द ब्लू मार्किंग, तीसरा है पंक्चर प्रूफ एंड टेम्पर प्रूफ व्हाइट कंटेनर, चौथा है लीक प्रूफ टेम्पर प्रूफ येलो बैग। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बात किसकी कर रहे हैं, के वायर हमने रिमूव किया, क्या रिमूव किया है, के वायर। सीधा एग्जांपल आपको दिया गया था, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, के वायर अपन क्या करते हैं किसमें डालने वाले, ये बॉडी इम्प्लांट है ना, तो बॉडी इम्प्लांट को किसमें डालेंगे सर, ब्लू में डाल देंगे, किसमें डाल देंगे, ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू मार्किंग अपन क्या करने वाले हैं, के वायर को पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखेगा, एन एचआईवी पॉजिटिव मैन इज ब्रॉट टू यू फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, एचआईवी पेशेंट को हम क्या है, एक्सीडेंट हो गया उसको लाया गया है, सो हाउ वुड यू डिस्कार्ड हिज ब्लड शॉक्ड ड्रेसिंग मेटेरियल, तो आप उसके ड्रेसिंग मेटेरियल को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, ड्रेसिंग मेटेरियल को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना क्लास तो ही कर पाएंगे। देखिए हर चीज ऐसा नहीं होता कि जो सर ने बोर्ड पे लिखा है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ही आंसर करेंगे, जब क्वेश्चन घूमेगा तब हमें अपना दिमाग उसके साथ लगाना है। हमारा काम है कि पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद में एग्जामिनर क्या कंसेप्ट लगाता है उस कंसेप्ट के हिसाब से इसको आपको राइट आंसर करना है। The pure 1% hypochlorite on the dressing material and sand for incineration. The pure 5% hypochlorite on the dressing material and sand for incineration. Next, put the dressing material directly in an appropriate bag and sand for incineration. And pure 10% non-chlorinated chemical on the dressing material and sand for incineration. Right answer put karna beta. Maan lijiyega selection wala question hi hai ki aapki क्लास के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है इसे बताएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुट द ड्रेसिंग मटेरियल डायरेक्टली इन एन एप्रोप्रिएट बैग एंड स्टैंड फॉर द इंसिनरेशन, और उसको इंसिनरेशन के लिए भेज दो। क्या करो, ड्रेसिंग मटेरियल को एप्रोप्रिएट बैग में डाल दो और उसके बाद में उसको इंसिनरेशन के लिए भेज दो। दैट इज द एप्रोप्रिएट मैथड टू डिस्पोज द एचआईवी इंफेक्टेड ड्रेसिंग मेटेरियल। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यही चीज, देखिए हम अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, दैट इज द प्री ट्रीटमेंट। क्या है ये, प्री ट्रीटमेंट होता है। तो प्री ट्रीटमेंट आपको किसका करना था, केवल हमने लिखा था क्या, सॉइल्ड लीनन, किसके बारे में लिखा था हमने, सॉइल्ड लीनन फर्स्ट प्रायोरिटी। सोइल्ड लीनन को आपको क्या करना है, प्री ट्रीट करना है, ड्रेसिंग मटेरियल को नहीं करना है।
पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, सोल्ड लिनन को आपको क्या करना है, प्री ट्रीट करना है। प्री ट्रीट तीन ही कंडीशन में करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, रट लो, याद कर लो, समझ लो, तुम्हारी मर्जी जैसे याद रखो, लेकिन करना केवल तीन ही कैटेगरी है, सॉइल्ड लीनन आपको करनी है, बॉडी सिक्रेशन आपको करने हैं, और तीसरी कंडीशन बायोटेक, अगर मान लीजिए कोई भी जो बायोटेक वेस्ट है उसका आपको क्या करना है, प्री ट्रीट करना है। बात समझ में आ गई? अगर ऐसा होता कि पेशेंट आरटीए का है, आरटीए वाले पेशेंट के अगर एचआईवी इंफेक्टेड ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और हमने उस ब्लड को डिस्कार्ड करना है, एचआईवी इंफेक्टेड ब्लड को डिस्कार्ड करना है ना, तो उस ब्लड को डिस्कार्ड करने से पहले प्री ट्रीट करना था आपको, उसको प्री ट्रीट करना था। मैंने लिखा था इन्फेक्टेड फ्लूड, लिखवा रखा है इजीली, पीछे ही मैंने लिखवा है, ठीक है, इन्फेक्टेड फ्लूड। तो फ्लूड अगर बात आती है तो जैसे एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड अगर मान ली कलेक्ट हो गया तो उस ब्लड को डिस्कार्ड करने से पहले प्री ट्रीट कर दो। ट्रीट किससे करना है, 5% हाइपोक्लोराइड से करना है, ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? अगर केवल ब्लड की बात करते तो ये आपका राइट आंसर होता कि प्योर 5% हाइपोक्लोराइट है ऑन ब्लड मटेरियल एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन, उसके ब्लड को डिस्कार्ड करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यू आर आस्क्ड टू कैथेटराइज एन एसबीएस एजी पॉजिटिव मैन बिफोर द हर्निया सर्जरी। हर्निया सर्जरी से पहले अपन क्या करें, उसको कैथेटराइजेशन लगवा रहे हैं। According to BMW management rule, where would you dispose of the plastic cover of the catheter? Question को देखिए और right answer put करें। Question को देखिएगा और right answer put कीजिएगा जल्दी से। You are asked to catheterize an HBS positive man before the hernia surgery. So according to the BMW management rule, where would you dispose of the plastic cover of the catheter? Catheter के plastic cover को कहां dispose करेंगे? C, very good. Plastic cover है, black bag में जाएगा। ये गलती हम कर देते हैं exam के अंदर, ठीक है? किसमें जाएगा? Black के अंदर। मैंने लिखा था paper waste, plastic waste, पानी की bottle, food waste, general waste। जब आपने gloves के cover को black में डाल दिया तो फिर कैथेटर की प्लास्टिक को रेड में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि सर कैथेटर रबर का होता है तो प्लास्टिक भी हमने सोचा उसी में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों एक जगह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो एक को कहां भेजेंगे, रेड में भेजेंगे, दूसरे को कहां भेजेंगे, ब्लैक में भेजेंगे। तो हमें कवर को कहां भेजना है, ब्लैक में ही भेजना है। जनरल वेस्ट कैटेगरी में इंक्लूड होगा ना वो, चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन। जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास पढ़ी नहीं है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आप दो क्वेश्चन सही करके आओगे, और शांति से पढ़ना मेरी क्लासेस को, मिलेगा बहुत कुछ। बस पूरा अटेंशन अगर आप रखेंगे क्लास के ऊपर, तो जितनी भी थ्योरी क्लासे मैंने यूट्यूब के ऊपर करवा रखी है सारी क्लासे अपने आप में 100% कवर होती है। ओवरऑल यू आर वर्किंग इन ए कोविड वार्ड, आप किसी कोविड वार्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, After doffing, where will you dispose of the plastic coverall? आप doffing के बाद में, donning doffing में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो doffing के बाद में plastic coverall को कहां पर डाला जाएगा? अब ये next question अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसका भी answer आप तभी कर पाएंगे। You are working in a COVID ward. After doffing, where will you dispose of the plastic coverall? Plastic coverall को किसमें डालेंगे? COVID की guideline पढ़ाई थी मैंने अभी आपको, किसमें जाएगा बेटा? Non plastic, semi plastic और plastic, तीनों अलग अलग हैं। Very good. A sir yellow, बहुत बढ़िया। पढ़ने के बाद में सारे बच्चे A A red red, आधे A में जा रहे हैं आधे yellow में जा रहे हैं। अच्छा दोनों एक ही है क्या, येलो और रेड? हाँ, चलिए राइट आंसर क्या रहेगा, प्लास्टिक कवरऑल। नोटबुक खोल के दोबारा देखेगा, प्लास्टिक कवरऑल मैंने लिखवाया है रेड बैग के लिए, ठीक है? येलो में क्या जाता है, या तो नॉन प्लास्टिक होगा, क्वेश्चन देगा आपको, या तो नॉन प्लास्टिक होगा या फिर सेमी प्लास्टिक होगा। क्या होगा? सेमी प्लास्टिक कवरऑल होगा, याद रहेगा सभी को। नॉन प्लास्टिक या सेमी प्लास्टिक कवरऑल किसमें जाएगा,
येलो में चला जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ रेड में क्या जाएगा आपका, प्लास्टिक कवरऑल जाएगा, क्या जाएगा, प्लास्टिक कवरऑल। इसके अलावा गॉगल्स, इसके अलावा फेस शील्ड, याद रहेगा ना सभी को, स्प्लैश प्रूफ एप्रोन, क्या लिखवाया था, एक स्प्लैश प्रूफ एप्रोन। गलती मत करो भाई, इतना कुछ पढ़ाने के बाद में गलत करेंगे तो फिर हमारा दिल टूट जाता है कि हमारे बच्चे सब कुछ पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। डॉफिंग मतलब पीपी किट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, चलिए। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्पोजेबल आइटम सच एज द ट्यूबिंग बॉटल, आईवी ट्यूब एंड सेट कैथेटर शुड बी सेग्रीगेटेड इन द येलो रेड व्हाइट और ब्लू, येलो रेड व्हाइट और ब्लू। जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा, जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलिए यहां पर अपन राइट आंसर करते हैं। सब कुछ किसमें जाएगा, रेड में जाएगा, ठीक है, रेड प्लास्टिक है ना, सारे ट्यूबिंग्स हैं। आखिरी क्वेश्चन, इन बीएमडब्ल्यू निडल एंड सिरिंज विद द फिक्स निडल स्कैपल्स शुड बी सेग्रीगेशन, ठीक है, निडल्स हो गई, ठीक है, फिक्स निडल है, सिरिंज के साथ में स्कैपल्स हो गए, तो सारे किसमें जाने वाले हैं, ब्लू में जाएंगे या व्हाइट में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे या व्हाइट में जाएंगे, दो ही कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबको पता है लाल में सारी प्लास्टिक जाएगी, येलो के अंदर कुछ अलग दिमाग में रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रहता है यहां पर व्हाइट के साथ में और ब्लू के साथ में रहता है, ठीक है। विच वन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, किसमें जाएगा, व्हाइट के अंदर डाल दिया जाएगा। यहां पर आपका पूरा बीएमडब्ल्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू कंप्लीट हो गया आपका, और 99% ज्यादा हो गया है ना, इतना ही होगा, 99.9 मान लीजिए आप, इतनी तैयारी आपने कर ली है बीएमडब्ल्यू के रिगार्डिंग। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है आपने, लेकिन मैं देख रहा हूं जैसा कि आपने पूरी क्लास पढ़ने के बाद में भी आपने कम से कम दो या तीन क्वेश्चन गलत किए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए थ्योरी क्लास जब भी होती है वहां पर हमारा क्राइटेरिया एक होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सुने और समझे, तभी हम उस चीज के बारे में ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। जितनी भी क्लासें हो रखी है मेरे यूट्यूब के ऊपर थ्योरेटिकल, वहां से आपको मैक्सिमम कंटेंट मिलेगा, अपने आप में कंप्लीट क्लास होती है वो, ठीक है, तो उस क्लास से आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल सकता है, बशर्ते आप उसको ध्यान से पढ़े, उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ सभी बात तक। इम्यूनिटी में आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, इम्यूनिटी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी इम्यूनिटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके अगर कुछ डाउट रहे इस वीडियो के नीचे आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, पॉसिबिलिटी यहां तक आपके मैक्सिमम डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शाम 6 बजे वाली क्लास के अंदर, ठीक है, और 6 बजे क्लास जो रहेगी आपकी उस क्लास के अंदर स्टरलाइजेशन और
डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।